में आए विनाशकारी भूकंप से चारों तरफ तबाही का मंजर है। इमारतें एक के बाद एक भरभराकर जमींदोज होते हुए देखकर आसपास के लोग सहम गए हैं। कई हजारों की संख्या में इमारतों के मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम जोरों से किया जा रहा है। इस भीषण तबाही के बीच एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मंगलवार सुबह आए झटकों की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 5.5 मापी गई। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट के मुताबिक मंगलवार को भी भूकंप का बड़ा झटका तुर्की में महसूस किया गया है। वेबसाइट के अनुसार यह झटका सुबह करीब 9:45 दर्ज किया गया, जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.5 रही। भूकंप में मरने वाले लोगों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4300 के पार पहुंच गया है। वहीं सीरिया में भूकंप से तबाही से अभी तक 1444 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि बड़े भूकंप झटकों के बाद भी तुर्की और सीरिया के सीमाई इलाके में करीब 100 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सोमवार को आए भूकंप के झटकों से तुर्की और सीरिया के बीच करीब 4000 से ज़्यादा इमारतें ध्वस्त हो गईं, जिनमें दबकर बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है। WHO के वरिष्ठ अधिकारियों का अनुमान है कि इस भूकंप में 20,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं और भारत समेत दुनिया के कई देशों ने तुर्की की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। भारत ने NDRF की 2 टीमें डॉग स्क्वाड के साथ तुर्की रवाना की हैं। इसके अलावा मेडिकल सप्लाई भी भेज दी है। तुर्की में आए भूकंप के बाद नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस ट्वीट में वैज्ञानिक ने तुर्की में बड़ा भूकंप आने की चेतावनी दी थी, जो कि सच साबित हुई। डच वैज्ञानिक फ्रैंक हुजरबीट्स सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे नामक इंस्टीट्यूट में रिसर्चर हैं। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा था कि जल्दी या देर से केंद्रीय तुर्की और जॉर्डन सीरिया के बीच में 7.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है। Ya geri zekalı. İnsan vardı içeride. Ya dedik geçelim dışarı. Yok. Lan insan vardı. Abi. Bak 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 bak. Tu ves lo como está.